जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? हाजिर हूँ फिर से आपके लिए साप्ताहिक यानी कि वीकली राशिफल लेकर के। कैसा जाएगा आपके लिए ये हफ्ता? 12 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी तक क्या क्या घटनाएं आपके साथ होने वाली हैं और कैसे इस हफ्ते को आप प्लान कर सकते हैं, आज यही सारी चीजें हम जानेंगे। ज्योतिष विद्या एक टूल है, एक माध्यम है अपने जीवन को बेहतर करने का। हमारे ऋषि मुनियों ने ये परंपरावश एक ऐसा माध्यम ढूंढा जिससे हम अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं, हम आने वाले समय को जान सकते हैं और अपने पुरुषार्थ द्वारा इसे बेहतर कर सकते हैं। एक उम्मीद की किरण हमेशा हमारे साथ रहती है, उम्मीद का दामन हम कभी भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि हमें पता है आने वाला समय हमारे लिए बेहतरीन होने वाला है, अच्छा होने वाला है और भगवान की कृपा से, पूजा पाठ से, उपाय से, ज्योतिष विद्या की मदद से हम उसे बेहतर कर सकते हैं। तो केवल आप ये मत समझिए कि ज्योतिष विद्या में अगर आपने आज राशिफल जान लिया, आपने अपनी भविष्यवाणी जान ली या किसी एस्ट्रोलॉजर या पंडित जी ने आपको बताया है कि आने वाला समय अच्छा नहीं है, तो डर करके आपने बैठना नहीं है कि अरे उन्होंने कहा अब तो समय खराब आने वाला है। अपने पुरुषार्थ द्वारा, भगवान की भक्ति द्वारा, ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए अपने गुरुदेव की कृपा द्वारा आप उन ग्रहों को बेहतर करें, ताकि वो जो समय आपके लिए आए वो बुरा ना हो करके अच्छे में परिवर्तित हो जाए। ये है वास्तविक में ज्योतिष विद्या का काम, एस्ट्रोलॉजी का काम, ना केवल आपको डराना या आपको कभी साढ़े साथी के बारे में घबरा देना या कभी राहु की दशा के बारे में घबराहट पैदा करना, ये ज्योतिष विद्या का काम करते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो अपने जीवन में उम्मीद का दामन हमेशा थामे रहे, भगवान की भक्ति करते रहे, जिसके सर पर अपने गुरुदेव का हाथ होता है, कुछ भी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बुरा समय उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो राशिफल है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। जन्म कुंडली में, चंद्र राशि से मेरा मतलब है कि आपकी जन्म कुंडली में जो चंद्रमा जिस घर में बैठे हैं वो आपके जन्म कुंडली अनुसार चंद्र राशि है, उसके हिसाब से देख सकते हैं। और अगर नहीं मालूम है तो अपने पुकार का नाम जो आपका है उस नाम राशि के हिसाब से भी आप इसे देख सकते हैं। ये एक कॉमन राशिफल है, करोड़ों लोग इस राशिफल को देखते हैं, लाखों लोग इससे लाभ उठाते हैं। तो इसमें हर व्यक्ति के लिए कोई ना कोई संदेश, कोई ना कोई मैसेज जरूर होगा, क्योंकि ये जो राशिफल है ना केवल ज्योतिष के हिसाब से, हम जो भी भगवान द्वारा हमें इंट्यूशन, आभास शक्ति प्राप्त है उसके द्वारा भी मैं आपको बताती हूँ। तो जरूर अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं, ये वीडियो आप तक पहुंचा है, तो कोई ना कोई मैसेज आपके लिए जरूर होने वाला है। हो सकता है सारी चीजें आपसे मेल ना खाएं, जो आपसे मेल खाए उसको रखें, बाकी को जाने दें, क्योंकि आप समझ सकते हैं ये मैसेज दूसरा कोई किसी और के लिए हो सकता है। अच्छा, एक बात और आपसे कहना चाहती हूँ। बहुत से लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि गुरु माँ हमारी तो राशि खराब है, कुंभ राशि सबसे बेकार होती है, मकर राशि सबसे बेकार होती है। देखो, राशि कोई खराब नहीं होती, आपकी राशि में ना जाने कितने अरबपति, खरबपति, करोड़पति होंगे। हाँ, आपके ग्रह अच्छे नहीं चल रहे हैं तो इसका मतलब आपके इंडिविजुअल जन्म कुंडली में कोई दशा आपकी खराब चल रही है, तो उस दशा को आप ठीक करिए तो अपने आप ही आपकी जो दुर्दशा हो रही है वो ठीक हो जाएगी। कन्या राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। अगर आपके रिश्तों में कोई तनाव आ रहा है, अगर आपके रिश्तों में टकराव हुआ है, आपके रिश्तों में मुझे लग रहा है कि कोई गलत फहमी आ गई है, कुछ ऐसा जहाँ आपकी कुछ थोड़ी तो गलती है, आपकी भी है, लेकिन सामने वाले ने उसको बहुत ज्यादा गलत समझ लिया है, तो वहां आपकी सिचुएशन इस हफ्ते में काफी लोगों की ठीक होती दिखाई दे रही है, उनके रिलेशनशिप पे, उनके रिश्तों में सुधार होगा। अगर आपका किसी स्त्री मित्र से, किसी लेडीज से कोई झगड़ा हुआ है, कोई परेशानी आपको आ रही है, तो वहां से भी आपको सपोर्ट मिलना शुरू होगा। जो खुद ही स्त्री है, जो कन्या राशि की लेडीज है, उनके लिए जो ये सप्ताह है या आपको इंडिपेंडेंट करेगा, आप कोई नया काम स्टार्ट कर सकते हैं या कोई नया आइडिया आपको इस हफ्ते में आ सकता है, जो आपको अपनी इंडिपेंडेंस, आपकी फ्रीडम की तरफ लेकर के जाएगा, जहां आपकी होप बढ़ेगी। अब तक तो आप सोच रहे थे कि लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके हिसाब से चल रहा है, आप
हर चीज में जैसे फंस गए, स्टक हो गए, लेकिन ये जो हफ्ता है आपको एक नई आशा की किरण लेकर के आएगा, जहां आपको ये समझ में आएगा कि ऐसे भी आप अपने बेटर कर सकते हैं अपनी लाइफ को। और उसके लिए आपको अपने घर वालों से सपोर्ट मिलेगा, और अगर नहीं भी मिलता है तो आप अपनी बातों द्वारा, अपने विचार द्वारा उनसे सपोर्ट प्राप्त कर ही लेंगे, राजी या गैर राजी। ये कुछ लेडीज के लिए अच्छी खबर दिखाई दे रही है। चलिए जानते हैं किस प्रकार से भगवान की कृपा हुई है, क्या चमत्कार हुआ है इस भक्त के साथ, इसकी बात सुनते हैं और फिर लौट के आएंगे आपकी राशि पर। मैं दिल्ली से हूँ। बहुत फ्रस्ट्रेट रहती थी, शांति नहीं मिलती थी, कोई काम में मन नहीं लगता था। गुरु माँ के दरबार में जब से आई, मन में भरोसा जगा, विश्वास जगा और आस्था भक्ति भी जगी। आज मैं गुरु माँ के दिए इस नौग्रह अंगूठी से बहुत फायदा हुआ, और मैं आप सब से भी आग्रह करती हूँ कि जो कोई किसी तरह की परेशानी से जूझ रहा है, गुरु माँ के दरबार आए। गुरुवार को निःशुल्क दरबार लगता है, फायदा उठाए। अगर आप ऑलरेडी बिजनेस करते हैं और अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो इस हफ्ते में आपको कुछ एक्सपेंशन के लिए हेल्प मिलेगी, कोई आइडिया मिलेंगे, कुछ लोगों को लोन भी उनका पास हो सकता है, वो दिखाई दे रहा है। ये जो हफ्ता है आपके लिए ग्रोथ ही लाएगा, आपको आगे बढ़ाएगा। इस हफ्ते में ग्रीन कलर आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट है, जितना हो सके ग्रीन को यूज कीजिए, ग्रीन पहनिए, और कम से कम एक दो पेड़ पौधे जरूर लगाएं अपने घर के बाहर, जो कि नए हो, हरे भरे हो, उससे भी आपको लाभ होगा। अगर आपकी कंपटीशन को लेकर की कोई टेंशन चल रही है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या कोई बच्चों का एग्जाम है, या आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा कंपटीशन हो रहा है, या आपस में कुछ स्टेटस को लेकर की कोई हसल चल रही है, कॉम्पिटिशन चल रहा है, तो वहां थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है, थोड़ा मानसिक तनाव आपको आ सकता है कि देखो सामने वाला आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है। कुछ लोग जो है, नींद इस समय में आपको बहुत ज्यादा आ सकती है कि आप कुछ काम करने के लिए निकले हैं लेकिन अचानक से आपको नींद आने लगती है, ऐसा भी काफी लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। इस समय में आप अपने घर का थोड़ा रिनोवेशन करा सकते हैं, कुछ लोग कुछ आपके घर में रिपेयर वर्क हो सकता है, लकड़ी से संबंधित, या दीवार आपकी कोई टूट रही है या फट रही है, या कोई पेंट खराब हो गया है, या उसमें से पपड़ी झड़ रही है, उसकी रिपेयर इस हफ्ते में हो सकती है, ऐसा कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। इस समय में आपको अगर कोई निर्णय लेना है तो अपने दिमाग की ना सुन के आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने, वो बिल्कुल सही निर्णय होगा, क्योंकि आपको इस हफ्ते में कोई ऐसा निर्णय लेना होगा जो कि तार्किक बुद्धि से आपको सही नहीं लगेगा, लेकिन अगर मन की आवाज सुनकर के आप उस निर्णय को लेंगे तो वो बिल्कुल आपके लिए सही होगा, हितकर होगा, और आगे चल के वो आपके जीवन को मजबूती प्रदान करेगा। हो सकता है अभी आपको लगे कि वो सही नहीं है, लेकिन आगे आपके लिए वो बिल्कुल ही सही सिद्ध होगा। कुछ लोग जो है वो किसी गार्डन में जा सकते हैं, या कहीं आप किसी स्टॉल पे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जहां आप कोई फ्लावर ले रहे हैं, या कोई आपको फ्लावर दे रहा है, आप फ्लावर के आसपास मुझे दिखाई दे रहे हैं, फ्लावर को सूंघते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप किसी गार्डन में जा सकते हैं, पार्क में जा सकते हैं, कहीं भी फ्लावर्स देखने जा सकते हैं, या फिर बहुत सारे फ्लावर्स की डेस्कटॉप वॉलपेपर, मोबाइल पे वॉलपेपर आपके आ सकते हैं, तो इस समय में फ्लावर्स आपको जरूर दिखेंगे, तो समझ लीजिए आपके लिए अच्छा समय है। कुछ लोग जो है किसी प्रकार का कोई नया मंत्र स्टार्ट कर सकते हैं, माता रानी की उपासना स्टार्ट कर सकते हैं, या माता काली के मंदिर जाने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। अगर आपका समय बहुत समय से खराब चल रहा है तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपके गुरु माँ हमेशा आपके साथ हैं, अपने आप को बिल्कुल अकेला मत समझो। लेकिन हाँ, उसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे मिलने के लिए आए। दिल्ली में हम होते हैं और भगवान ने चाहा तो आने वाले समय में हम आपके शहर में, आपके घर के आसपास भी जरूर आएंगे। हम ना केवल आपकी जन्म कुंडली देख करके आपके ग्रहों के बारे में आपको बताते हैं, आने वाले समय के बारे में बताते हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, साथ ही मान लीजिए कुछ समय आपके अनुकूल नहीं है, समय आपके विपरीत चल रहा है, या आने वाला समय अच्छा नहीं होगा, तो उसके लिए आपकी समस्याओं का निदान करने के लिए मैं मंत्र सिद्ध करके आपको नारियल, फल, सब्जी, धागा और अन्य वस्तुएं प्रदान करती हूँ, जिसके सेवन से, जिसके उपयोग से, जिसके प्रयोग से लाखों लोग अपने जीवन में आनंद उठा रहे हैं, भगवान शनिदेव की कृपा पा रहे हैं और उस चमत्कार को अनुभव कर रहे हैं जो हमारे सिद्ध दरबार में होता है। सिद्ध दरबार हर गुरुवार को लगाया जाता है, जहां मैं सब लोगों से मिलती हूँ। आप चाहे कितने भी गरीब हैं, आप चाहे कितने भी अमीर हैं, उससे कोई सरोकार नहीं है, आप इस दरबार में आए, आकर के मुझसे मिले,
एक नारियल 1.25 मीटर लाल कपड़े में बांध करके लाएं और हम उसे मंत्र सिद्ध करके आपको देंगे, उसका प्रयोग करें। जो भी उसे प्रयोग करता है भगवान शनिदेव की कृपा से उनके साथ चमत्कार घटित होते हैं। तो इसको स्वयं अनुभव करने के लिए आपको आना पड़ेगा दिल्ली, हमारी साधना स्थली पर आप आए। सुबह से लेकर के शाम तक हम बैठते हैं और हर गुरुवार बैठते हैं, अपनी जन्म कुंडली दिखाएं और साथ में मंत्र सिद्ध करके अपने प्रयोग हेतु आप वस्तुएं लेकर के जाएं और भगवान की कृपा से अपने कष्टों को दूर भगाएं। यह हफ्ता आप सभी के लिए बहुत शुभ जाए, बहुत मंगलमय जाए, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। आप सभी को आशीर्वाद देते हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।